अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में, और आप हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। आज हमने काफ़ी दिन गोश्त की रेसिपीज़ बनाई, मटन, चिकन, फिश। आज हम आपके लिए बहुत मज़े की चीज़ बना रहे हैं, कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा के लिए हमें चाहिए 1/2 किलो दही, 2 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और खुश्क धनिया, ये देखें दोनों, इनको पीस के, ताज़ा पीस के डालना है। 2 अदद प्याज छोटे, और इसमें हमने नमक डाल लिया था इसलिए ये मसाले इसमें नमक नहीं लेंगे, उसमें नमक डाल के उसको पीसा था। ये हल्दी, सुर्ख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, और ये है पकौड़ों का सामान। ये देखें, ये बारीक हमने आलू काटे, साथ में बारीक कटे हुए प्याज, पालक फ्रीज हुई थी इसको धो के साफ़ करके रखा, और ये इसके मसाले हैं। साथ में हमें जितना बेसन चाहिए होगा वो हम लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छी सी खुशबू आ जाए फिर उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल इसमें ज़्यादा है, इसको हम उतार लेंगे मसाला बना के, और फिर जब कढ़ी हमारी रेडी होगी तो उसके ऊपर हम डाल देंगे। अब इसमें ये मसाला जाएगा, सब्ज़ मिर्च और खुश्क धनिया। अब जाएंगे टमाटर। इसका मसाला कढ़ी का सबसे पहले जो है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए। जितना अच्छा आपका मसाला बनेगा, कढ़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये इसमें ये मसाले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना अच्छा कढ़ी का मसाला तैयार हो रहा है। इसको बिल्कुल मैश करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब वैसे प्याज मोटा मोटा रहे तो अच्छा लगता है कढ़ी में। बस टमाटर टेंडर हो जाए तो फिर हम इसको इसमें कढ़ी का वो दही और बेसन मिक्स करके डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। ये मसाला इतना परफेक्ट होता है कि इसके साथ भी आप रोटी खा सकते हैं, इतना मज़े का बनता है। इसको 5 मिनट के लिए हम भुनाई पे छोड़ेंगे और उतनी देर हम बेसन और दही को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला भून गया, इसका ऑयल हम अलहदा करेंगे और इसमें डालेंगे दही और बेसन मिक्स किया हुआ। इस तरह रख के तो इसका ऑयल अलहदा कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे दही, इतना ही पानी डाल देंगे। इस पॉइंट पे आपने ये ख्याल रखना है कि इसका चम्मच चलाते रहें। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी कम, इसको हिलाते रहेंगे उबाल आने पर। जब उबाल आ जाएगा फिर हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। नमक को आपने तब चेक करना है जब आधी पक जाए कढ़ी, फिर आपको पता चलेगा। अभी अगर ज़्यादा डाल देंगे तो पक पक के वो गाढ़ी हो गई तो नमक तेज़ हो जाएगी इसमें, इस चीज़ का ख्याल रखना। ये इसमें गए आलू और इसमें बारीक सब्ज़ मिर्च कटी हुई, प्याज और पालक। ये हमारा बैटर है, ये इसमें सब कुछ आएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी भी पसंद आएगी, बहुत मज़े की चीज़ है, ज़्यादातर घरों में पसंद की जाती है। इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने देंगे। अभी ये गाढ़ी हो जाए उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बेसन हमने डाल लिया, इसमें थोड़ा सा जाएगा दही, पानी के साथ गूंदेंगे। नमक मिर्च आप चाहें तो इसको टेस्ट कर लें। ये देखें कढ़ी हमारी पक गई बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम, और तकरीबन गाढ़ी भी होनी शुरू हो गई। अगर इसमें कोई थोड़ा कच्चापन लगेगा तो थोड़ा पानी डाल के इसको दोबारा पकाएंगे। ये देखें, इसको इस तरह से रखें
ताकि इसकी स्टीम भी निकलती रहे और पकती भी रहे, बॉयल बॉयल ना हो। घी गरम है, अब हम बना लेंगे पकौड़े। आलू हमने बिल्कुल बारीक काटे हैं, कड़ी के पकौड़े में लंबे लंबे आलू नहीं अच्छे लगते। छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे। ये देखेंगे पकौड़े हमारे पक गए, बस थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। इतने नरम और फूले हुए पकौड़े बने। माशाल्लाह देखें कि कलर कितना अच्छा है। ये इतना खिला खिला कलर इसलिए आता है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालते हैं वरना या तो ब्लैक हो जाते ज़्यादा या फिर डार्क ब्राउन से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। माशाल्लाह देखें, इसी तरह दूसरे पकौड़े हम निकाल लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तैयार हैं। ये इतनी थी जब पकानी शुरू की थी, इतनी रह गई पक पक के, और देखें ऑयल निकल आया इसका, गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े। साथ में इस पे जाएगा धनिया सब्ज़। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ी कितनी अच्छी रेडी हुई, कढ़ी पकौड़ा, इसके साथ ये पकौड़े। कुछ लोग ज़्यादा पकौड़े लेने पसंद करते हैं, वो कढ़ी में अलहदा से डाल सकते हैं। कढ़ी का देखें कलर और इसकी मतलब जितनी ये गाढ़ी होनी चाहिए उतनी है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बनी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।